Shalom, praise the Lord. Tune vada pura pakadiya hai. Tune vada pura kar diya hai. Mujhe pakru se bhar diya hai. तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाखरू से भर दिया है. मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है. तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है. तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है. हालेलुया, जय मसीह की. सिस्टर अंजलि जी, छोटी सी एक प्रार्थना कीजिए इस सभा की शुरुआत के लिए, छोटी सी दुआ मांगिए. हालेलुया. हालेलुया. Thank you, Jesus. 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 Amen. Thank you. God bless you. Hallelujah. Prabhu aapko aashish de. Sister Manisha ji, Manisha Singh ji aapke saath bhi prarthana karenge. Hallelujah. सचमुच पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी आराधना करते स्तुति करते परमेश्वर, धन्यवाद करते इस बहुमूल्य समय के लिए परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर फिर से अपनी संगति में जोड़ा परमेश्वर, अपनी उपस्थिति में अपनी हजूरी में लेकर आए परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर. प्रार्थना करते इस सभा के लिए परमेश्वर, इस सभा में परमेश्वर आपके बांटे हुए वचनों को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ परमेश्वर. ये वचन तीर की तरह परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कार्य करे, हमारे जीवनों में वो बदले परमेश्वर, और ये वचन परमेश्वर जिंदगियों में छुटकारा लेकर आने पाए. ये प्रार्थना इकलौते पुत्र यीशु नाज़रीन आपके सम्मुख होकर मांगते हैं और प्यासे कबूल कर. आमीन आमीन आमीन. जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू. जय मसीह की. हालेलुया. फादर, वी ब्लेस योर होली नेम दिस इवनिंग. वी प्रे लॉर्ड दैट योर एंजल्स विल डिसेंड upon the proclamation of your word, Lord, that your word shall come like fire, like hammer that shatters the stone into little pieces. Lord, let the canopy of the blood of Jesus be over these words. May they be delivered straight into the heart of your people. In Jesus' name, amen. मैं आज सुबह आपके साथ बात कर रहा था. मैंने आपको दानियल नबी की पुस्तक के चार अध्याय के विषय में बताया कि वो बड़ा अलौकिक अध्याय है, और मैंने सुबह आपको ये भी बताया कि दानियल नबी की पुस्तक के पहले दो अध्याय हिब्रू में लिखे गए हैं, लेकिन बाकी के अध्याय अरामी भाषा में, जिसे हम एरमिक बोलते हैं, उसमें लिखे गए हैं. तो चार अध्याय एरमिक में लिखा गया है. चार अध्याय का 13 वचन, 17 वचन और 23 वचन
बड़े ही अद्भुत हैं, क्योंकि इनमें इनमें स्वर्ग के एक अलग किस्म के सेलेशियल बीइंग, दूत या दूतों से भी अलग किस्म के सेलेशियल स्वर्गीय प्राणियों के विषय में लिखा है, जिन्हें दानियल 4:13, 4:17, दानियल 4:23 में हिंदी में पहरुए कहा गया है और पंजाबी में राखे और हिंदी में वॉचर्स। तो मैं वॉचर्स के ऊपर आपको कुछ बता रहा था, जिन्हें हिब्रू में, जो कि एरमिक रूट है, उसमें वर्ड है एर, एर, यरीम, यरीम या एरीम, एर, आयन, मैंने आपको बताया आंख, योड हाथ, रेश सिर माथा, जहां पे थिंकिंग रीजनिंग होती है, इंटेलेक्ट का वास होता है। तो खुदा की आंख, खुदा का हाथ और खुदा का माइंड, इन तीनों को डिक्लेयर करते हैं अयरीम, अयार, एर, जिन्हें हम वॉचर कहते हैं। ये डिक्री करते हैं दानियल 4:17 में, डिक्री। डिक्री के लिए मैंने आपको सुबह बताया जो वर्ड है गजराओ, गजराओ, हिब्रू वर्ड है गजराओ, और ये डिक्री करते हैं इन द नेम ऑफ द मोस्ट हाई, एल एलियन के नाम में, सर्वोच्च परमेश्वर के नाम में ये डिक्री पास करते हैं। डिक्री का मतलब है जुडिशियल, न्यायपालिका से श्वेत पत्र जारी करना, न्यायपालिका से एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिलीज करना जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की ताकत रखता है, व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जिसे कहते हैं, डिक्री बांधना। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के नाम में ये डिक्री करते हैं। डिक्री का मतलब, ये वॉचर का जो बेंच है, ये स्वर्ग के परमेश्वर की ज्यूरी है। बहुत से बेंचेस हैं स्वर्ग में, ये स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की ज्यूरी, जजेस हैं, न्यायी हैं, जो फैसला लेते हैं और वो फैसले को अपने साइन लगा के यहोवा के कोर्ट में भेजते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। वहां से यहोवा परमेश्वर अपनी स्टैंप लगा के डिक्री को फाइनल करता है। तो ये जो एंजल्स हैं, सेलेशियल बीइंग हैं, ये यहोवा पिता से कह रहे हैं, नबूकदनस्सर राजा ने कितनी बुराई की है तेरी प्रजा के विरुद्ध में। सुबह आज मैं आपको बता रहा था, मैं कुछ आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, दूसरा राजा, उसका 25 अध्याय। ये जो यार हैं, न्यायी हैं, वॉचर हैं, पैरुए हैं, ये यहोवा परमेश्वर को ये रिपोर्ट लिख के भेजते हैं। क्या सुने, दूसरा राजा उसका 25 अध्याय, 2 Kings 25:1। एंड इट केम टू पास इन द 9th ईयर ऑफ हिज रेन, इन द 10th मंथ, इन द 10th डे ऑफ द मंथ, दैट नबूकदनेस्सर किंग ऑफ बेबीलोन केम, ही एंड ऑल हिज होस्ट, अगेंस्ट जेरूसलम, एंड पिच्ड अगेंस्ट इट, एंड दे बिल्ट फोर्ट्स अगेंस्ट इट राउंड अबाउट, एंड द सिटी वाज बेसीज्ड अनटू द 11th ईयर of Zedekiah, and on the 9th day of the 4th month, the famine prevailed in the city, and there was no bread for the people of the land. Nabuchodonosor aaya, Jerusalem ko ghera, saal bhar ghera dale rakha, aur Jerusalem ke andar Zedekiah raja ka rajya tha, lekin logon ke paas peene ke liye pani nahi aur khane ke liye roti nahi. And the city was broken up, and all men of war fled by night by the way of the gate between two walls, which is by the king's garden. Now the Chaldeans were against the city round about, and the king went the way towards the plain, and the army of the Chaldeans pursued after the king, overtook him in the plains of Jericho, and all his armies were scattered from him. So they took the king and brought him up to the king of Babylon, to Riblah, and they gave judgment upon him. To yodhe raat ke samay bhag gaye saal ke baad, khane peene ke liye sab kuch khatam ho gaya Israel mein, akal pada, bhayankar akal. और मैंने आपको बताया यहोवा के 4 कोड़े हैं, पहला तलवार, दूसरा अकाल, तीसरा मरी और चौथा जंतु। ये जंतु कौन है? नबूकदनेस्सर। और तलवार लेके आया है और इज़राइल में अकाल पड़ गया है, और अकाल के फलस्वरूप प्लेग आ गई है। 4 के 4 कोड़े पड़ रहे हैं बनी इज़राइल को, क्योंकि इज़राइल यहोवा की ओर अपनी पीठ करके यहोवा को त्याग दिया है। उन्होंने किमोश की पूजा की है, उन्होंने दागोन की पूजा की है, वो बालीमों को पूजते हैं,
हालेलुया। वो बाल और अश्तोरेत की उपासना करते हैं, वो ऊंचे स्थानों पे धूप धुकाते हैं, वो यहोवा को रिस दिखाते हैं, वो मिलकाम की पूजा करते हैं, उन्होंने यहोवा की विधियों को पांव के नीचे रौंदा, उन्होंने यहोवा की वाचा और यहोवा की व्यवस्था का अनादर किया, उनके नबी झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, उनके राजा भ्रष्ट हैं, उनके याजक जिनके होठों पे यहोवा की व्यवस्था होनी चाहिए वो करप्ट हैं, न्यायी घूस लेते हैं। इसराइल यहोवा से दूर गया, इसलिए दंड आ गया। और ये वॉचर बताते हैं कि कैसा दुख इसराइल भोग रहा है। फौजी रात को भाग गए, राजा भाग गया, उन्होंने फौजियों को पकड़ के मारा और राजा को पकड़ लिया, और राजा को उसके सात वचन में लिखा है जिद किया राजा के बेटों को। आपको मालूम नबूकदनेस्सर ने क्या कहा, उसने डेजर्ट में जिद किया राजा को पकड़ा, रिबला में उसे पकड़ के लाए। नबूकदनेस्सर ने कहा अंतिम वार अपने बेटों को आंखें भर के देख ले, क्योंकि अब तू इन्हें देख ना पाएगा। उन्होंने उसकी आंखों के आगे, हालेलुया, उसके बेटों को मारा, फिर उसकी आंखें निकाल ली, ये आई सॉकेट खाली कर दी, और उसे पीतल के बंधनों में बांध के बेबीलोन ले गए। और द फिफ्थ मंथ ऑफ द सेवंथ डे ऑफ द सेवंथ मंथ व्हिच इज द नाइन्थ ईयर of the king Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Nebuzaradan, captain of the guard, a servant of the king of Babylon, unto Jerusalem. He burnt the house of the Lord and the king's house and all the houses of Jerusalem and every great man's house burnt he with fire. To kaun aaya? Uska senapati aaya, Nebuzaradan. Usne aake Yehovah ke ghar ko loot liya, Yehovah ke ghar ko tod diya, tehas nehas kar diya, Yehovah parmeshwar ke bhavan ko aag laga di, उसने राजा के महल को आग लगा दी, जितने अमीर धनी लोग थे उनके घरों को आग से जला दिया और सिप्पा सलारों के घर जला दिए। All the army of the Chaldeans that were with the captain of the guard break down the walls of Jerusalem, सब शहर पनाह को तोड़ दिया, पूरे देश को नेस्ता नाबूद कर दिया। The rest of the people that were left in the city and fugitive that fell away from the king of Babylon with the remnant of the multitude did Nebuzaradan the captain of the guard carry away. सबको गुलाम बना के ले गया, बनी इसराइल को नंगा करके लेके गया, जंजीरों से बांध के सारे इसराइलियों को नंगा करके लेके गया भाई और बहनों। और 11 महीने की यात्रा पैदल की उन्होंने नंगे। इसीलिए 20 अध्याय यशाया नबी की पुस्तक के 2 वचन से पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु अपने दास यशाया को आदेश देता है कि मेरी कौम के बीच में नंगा होकर घूम, और वो 2 साल से ज्यादा नंगा होके घूमता है। क्यों? क्योंकि यहोवा बता रहा है कि तुम आत्मिक रीति से मेरे आगे नंगे हो, और मैंने कसदियों के राजा को आदेश दिया है वो तुम्हें नंगा करके लेके जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा कितनी दुर्दशा हुई बनी इसराइल की। तो ये वॉचर जो हैं, अय्यार जो हैं, इन्होंने यहोवा के आगे कहा, शहर को जला दिया गया, परमेश्वर यहोवा तेरे मंदिर को लूट लिया गया, ऐद के और परमेश्वर के पवित्र बर्तनों को भी राजा ले गया अपने साथ। और वो आपको मालूम नबूकदनेस्सर ने क्या किया, भूमि पे हल जोता और उसके अंदर नमक गिरा दिया ताकि कोई फसल पैदा ना हो। वॉचर ने बताया कि योर पीपल आर बुचर्ड, तेरे लोगों का घात किया गया, तेरे लोगों को नंगा किया गया, तेरे लोगों को गुलाम बना के राजा ले गया। और राजा बहुत घमंडी और अहंकारी है, उन्होंने परमेश्वर यहोवा को रिपोर्ट दी। दानियल नबी की पुस्तक 4:19-33 पढ़िए, दानियल 4:19-33। तो परमेश्वर के कोर्ट में इन वॉचर्स ने एक लेटर भेजा, तो यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, इन्होंने डिक्री की, यहोवा परमेश्वर से इन्होंने कहा राजा नबूकदनेस्सर को जज किया जाए, नबूकदनेस्सर की स्वर्ग के कोर्ट में पेशी हो और उसे जज किया जाए। तब यहोवा परमेश्वर ने, हालेलुया, उसे जज किया। लेकिन मैंने आपको बताया सुबह यहोवा परमेश्वर ने उसको वार्निंग दी, 7 साल का समय दिया। प्रभु ने कहा उस वृक्ष को काट दो, लेकिन उस वृक्ष के स्तंभ को रहने दो। और सुबह मैंने आपको बताया दो उस स्तंभ को, लकड़ी के स्तंभ को दो
बेल्ट बनवा के लगवा दी, एक पीतल की और एक लोहे की। पीतल का राज्य है ग्रीस किंगडम, अलेक्जेंडर द ग्रेट की किंगडम पीतल की, और लोहे की किंगडम है रोम की। तो परमेश्वर भविष्यवाणी करके बता रहा है उस व्यक्ति को, प्रभु ने कहा तेरे ऊपर 7 साल गुजरेंगे, और सुबह मैंने आपको बताया कि भविष्यवाणी हुई, ये वॉचर आया, उसने आके राजा जो अहंकार से भरा था उसे यहां छुआ, और उसकी सैनिटी जाती रही, बुद्धि जाती रही, और वो उसी क्षण जानवर बन गया। आपको मालूम, मैंने सुबह बताया कि डेक्स एक बहुत बड़ा विद्वान जिसने बाइबल की कमेंट्री लिखी, वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि उसे ऐसी बीमारी लगी जब वॉचर ने छुआ जिसे लुकेंथ्रोफी कहा गया, लुकोस एंड एंथ्रोफी। लुकोस का मतलब वो वेयर वुल्फ बन गया, वो रिच बन गया, भालू बन गया, और एंथ्रोफी का मतलब है ह्यूमन बीइंग, जहां से इंग्लिश का वर्ड निकलता है एंथ्रोपोस। ही वॉज ह्यूमन बीइंग एंड ही ऑल्सो बिकेम ए वुल्फ, वेयर वुल्फ। You must have seen the American Hollywood movies where human being become hybrids. You know, यहाँ से उनके वो निकल आते हैं स्टील के बड़े-बड़े वो, and the man turns into werewolf. That is what happened with Nebuchadnezzar. He grew claws, he grew long nails, और उसकी बॉडी के ऊपर जानवर के बाल आ गए, और वो घास खाने लगा, और प्रभु ने 7 साल का समय दिया। Hallelujah. और क्या लिखा है, अगर 7 साल ये पश्चाताप करेगा तो परमेश्वर कहता है फिर से इसे मैं बहाल कर दूंगा। और 7 साल के बाद क्या हुआ, सैनिटी रिटर्न टू दिस मैन, वो फिर मनुष्य बन गया, और हमने सुबह मैंने आपको बताया यहोवा परमेश्वर की महिमा करने लगा। पहले वो नाबू देवता की महिमा करता था, लेकिन जब यहोवा ने उसे वेयर वुल्फ बना दिया, आधा मनुष्य और आधा भालू रिच बना दिया, तब वो यहोवा की उपासना करने लगा। परमेश्वर पहले आपको अवसर देता है, वार्निंग देता है। परमेश्वर की वार्निंग आपकी भलाई के लिए है, परमेश्वर की वार्निंग आपको एक हेल्दी ढंग से डराने के लिए है। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय में वो लूत के पास सदोम गमोरा के लोगों को एक्चुअली बचाने के लिए 2 स्वर्गदूत भेजता है, लेकिन सदोम गमोरा के लोग इतने परवर्ट हैं, इतने डिप्रेव्ड, मॉरली बैंकरप्ट है कि वो स्वर्ग दूतों के संग सहवास करना चाहते हैं। परमेश्वर नूह के समय मानव जाति इतनी दुष्ट थी, यहोवा परमेश्वर उन्हें भी बचाना चाहता है, इसलिए नूह को वो आर्क बनाने के लिए 120 साल देता है। हालेलुया, जिसे प्रीचर ऑफ राइचियसनेस कहा गया, पतरस उसे प्रीचर ऑफ राइचियसनेस कहता है। हालेलुया, यीशु मसीह ने यरूशलेम को बताया, इसराइलियों को बताया कि यरूशलेम कैसे विनाश होगा, इसका पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। मरकुस 13:1-2 में पहले वार्निंग दी यीशु मसीह ने कि यरूशलेम के ऊपर बहुत बड़ा सताव आने वाला है 70 AD में, जो टाइटस आया और उसने टेंपल को फिर तबाह कर दिया। हालेलुया। तो अमोस नबी की पुस्तक 3:7 कहता है, प्रभु यहोवा अपने नबियों पे प्रकाशित किए बगैर कुछ भी नहीं करता, वो पहले अपने संतों को बताता है फिर अपना दंड भेजता है। परमेश्वर बताता इसलिए है कि लोग अपने घुटनों पे आ जाएं, पश्चाताप करें, प्रभु की ओर मुड़े, इसलिए वार्निंग देता है। हालेलुया। आपको भी मुझे भी बार बार यहोवा परमेश्वर ने वार्निंग दी। आप पीछे मुड़ के देखें अपने जीवन के पद चिन्ह जो छोड़ के आए हैं समय की रेत के ऊपर, कहा आपने यहोवा की बगावत की, बदकारी की, बलवा किया, उसने आपको वार्निंग दी लेकिन आपने सुनी नहीं, तब दंड आपके ऊपर आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, दानियल नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन सुने। आई beheld till the thrones were cast down and the ancient of the days did sit, whose garment was white as snow and the hair of his head like pure wool, his throne was like fiery flame and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set and the books were opened. Ye hai
स्वर्ग में सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है यहोवा परमेश्वर, जो सिंहासन पे विराजमान है। यहोवा परमेश्वर के आगे ये जो लिखा है, थ्रोन्स रखे गए, सिंहासन रखे गए, महिमा से भरे सिंहासन पे यहोवा विराजमान है, और जो दूसरे सिंहासन रखे गए हैं, इन सिंहासनों के ऊपर यहोवा की जुडिशरी बैठती है, न्यायी बैठते हैं, अय्यर्स, जिनके विषय में अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये सिंहासनों पे बैठे हैं, और कई प्रकार के स्वर्गदूत हैं, सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत हैं, स्वर्ग की कचहरी, स्वर्गी कोर्ट को मोशन में लाने के लिए स्वर्गदूत हैं, और वहां पे लिखा है न्याय होने वाला है, और किताबें खोली गई हैं। हालेलुया, स्वर्ग में किताबें हैं, असेसर्स बैठे हैं, असेसर्स जो असेसमेंट करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, आयरीन अयर जज के साथ, और किताबें खुल रही हैं। जज स्वर्ग के सुप्रीम कोर्ट का यहोवा बैठा है। एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर नंबर 5, मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय और उसके 11 वचन से पढ़ता हूं। And I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elder, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. हजारों के हजार और लाखों के लाख, करोड़ों गुना करोड़ों और लाखों गुना लाखों, अलग अलग किस्म के ये स्वर्ग दूत हैं जो प्रभु के आगे खड़े हैं, स्पिरिट बीइंग हैं जो प्रभु के सिंहासन के आगे खड़े, असेसर्स हैं, जजेस हैं, वॉचर्स हैं, अयरीम्स हैं, जो यहोवा के सिंहासन के आगे कुछ खड़े हैं, कुछ सिंहासन पे बैठे हैं, और क्या कहते हैं 12 वचन, saying with loud voice, worthy is the lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. और ऊंची आवाज में पुकार के कहते हैं, धन्य है परमेश्वर का मेमना जो सृष्टि की रचना से पहले वध किया गया, जो सामर्थ और महिमा संपन्नता बुद्धि और बल और आदर और महिमा और बरकत हासिल करने के योग्य है, उस मेमने की परस्तिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य के 15 अध्याय में मैं आपको लेके चलता हूं, प्रकाशित वाक्य का 15 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। And after that I looked and behold the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. बहुत गहरा वचन अब मैं देने जा रहा हूं आपको, जो आपका जीवन बदल सकता है। इसका दूसरा पार्ट कल सुबह करूंगा मैं आपके साथ। हालेलुया। आप देखिए क्या कहता है, And after that I looked and behold the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. स्वर्ग के अंदर मंदिर, मंदिर किसका, यहोवा के तंबू का, यहोवा के तंबू का, खैमे का मंदिर जो गवाही का है। यहोवा, यहां पे लिखा जो मंदिर है, मंदिर ऑफ टेंपल ऑफ द टैबरनेकल ऑफ द टेस्टिमनी, मंदिर जो खुदावंद परमेश्वर यहोवा के तंबू की गवाही का है, वो स्वर्ग में खुला। कहां खुल रहा है, In heaven. This is a very peculiar, very profound and very deep phrase. And there is hidden a great mystery that we have to uncover, unearth today by the power of the Holy Spirit. And the second part of it, I will be sharing with you tomorrow morning. The temple of the tabernacle of the testimony. Temple ka matlab mandir, tabernacle ka matlab tambu. ऑफ द टेस्टमनी, गवाही का, इन हेवन स्वर्ग में खुला। कहां खुला, स्वर्ग में खुला। और क्या देखता यूहन्ना, एंड 7 एंजल्स केम आउट ऑफ द टेम्पल, उस मंदिर में से 7 स्वर्गदूत बाहर निकल के आ रहे हैं। 7 स्वर्गदूत, मार्क कर लें अपने माइंड में और अपनी स्पिरिट में, मार्क करें, 7 स्वर्गदूत निकल के आ रहे हैं, हैविंग 7 प्लेग्स, उनके पास है 7 प्लेग, बवाएं,
बलाएं, कैटास्ट्रोफी और पृथ्वी के ऊपर भयानक समय जो आने वाला है, ये परमेश्वर के मंदिर में से निकल के आ रहा है और सात जो परमेश्वर के प्रधान दूत उनके हाथ में ये सात प्लेग हैं और ये हेवन में से निकल रही हैं और ये जो एंजल है क्लोथ इन प्योर एंड वाइट लिलन एंड हैविंग देयर ब्रेस्ट गर्डेड विद गोल्डन गर्डल, यहाँ पे सोने के सैचेस लगे हुए हैं, प्योर लिलन के श्वेत वस्त्र इन्होंने पहने हैं और इनके हाथ में है सात प्लेग, सात बवाएं भाई और बहनों जो पृथ्वी के ऊपर आने वाली है। हालेलुया। तो सुनिएगा ध्यान से, ये टैबरनेकल जो है ये मूसा वाली है और ये जो टेम्पल है मंदिर है, यहाँ पे मैंने पढ़ा पांच अध्याय में द टेम्पल ऑफ द टैबरनेकल ऑफ टेस्टिमनी, टेम्पल मंदिर, तंबू का मंदिर, तंबू का मंदिर और उसके अंदर गवाही टेस्टिमनी इन हेवन वाज ओपन। तो ये टेम्पल है सुलेमान का और इसे एम्बेलिश किया हेरोदेस ने जब इस टेम्पल को नबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया, जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं। और जो टैबरनेकल है, खेमा है, तंबू है, ये है मूसा का, टैबरनेकल ऑफ टेस्टिमोनी, ये गवाही। इसके अंदर क्या है, जो मंदिर है खेमे का उसके अंदर गवाही है। ये गवाही क्या है, ये गवाही है एक लीगल जुडिशियल डॉक्यूमेंट, आपकी गवाही मेरी गवाही एक कानूनी दस्तावेज है। इसलिए प्रभु कहता है तू झूठी गवाही मत देना। बहुत से लोग कई सभाओं के अंदर जाके झूठी गवाहियां दे देते हैं, मुझे ये चंगाई मिली, मुझे वो चंगाई मिली, हुआ कुछ नहीं होता उनके जीवन में, वो हीट ऑफ द मोमेंट में। कुछ लोग तो कि पादरी साहब हमें छू लें, वो बड़ा जो अभिषिक्त पादरी है जिसके ऊपर सोचते हैं शायद पता नहीं कितना बड़ा चंगाई का वरदान है, इसलिए झूठी गवाही लेके ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि वो हमें छू लें। तो भाई और बहनों, गवाही एक कानूनी दस्तावेज है, लीगल एंड जुडिशियल डॉक्यूमेंट। हालेलुया। तो दानियल क्या देखता है, दानियल देखता है यहोवा परमेश्वर का थ्रोन रूम, यहोवा परमेश्वर का सिंहासन, का राज दरबार, वो भाई और बहनों सुप्रीम कोर्ट में बदल गया है, उसके श्वेत बाल हैं और वो महिमा के सिंहासन पे बैठा है जज की तरह, न्यायी की तरह, न्याय करने के लिए। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के 4 और 5 अध्याय में देखता है महिमा पाए वध किए हुए मेमने को, जिसके शरीर में वो घाव हैं, हमारे छुटकारे की कीमत के घाव। प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में ये बर्रा परमेश्वर का मेमना सर्वोच्च सिंहासन पे, इस अनादि परमेश्वर जो महिमा से भरा परमेश्वर है, उसके राइट हैंड पे बैठा हुआ है। 7 मोरे लगी किताब है अंदर और बाहर से, और सिंहासन के इर्द गिर्द रेनबो है, इंद्रधनुष जिसे कहते हैं, 7 रंग हैं उसके। आपको मालूम ये 7 आर्क एंजल्स के रंग हैं, ये जो इंद्रधनुष के 7 रंग है, VIBGYOR, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 आर्क एंजल के रंग हैं। जब ये प्रकट होते हैं तो ये आभा आती है, ये रंग आता है, ऐसी रोशनी आती है इन स्वर्गदूतों के प्रकट होने से। हालेलुया। तो लेकिन यशाया क्या कहता है, यशाया नबी की पुस्तक 6 अध्याय का 1 वचन, वो कहता है आई सॉ द लॉर्ड हाई एंड लिफ्टेड अप, मैंने यहोवा को राजाधिराजा को सर्वोच्च सिंहासन पे बैठे देखा, और यहोवा परमेश्वर का जो वस्त्र है महिमा से भरा हुआ, उसका जो शोर है बैक साइड, वो इतनी इतना बड़ा है कि उसकी महिमा से वो सारे का सारा महल, सारे का सारा भवन भरा हुआ है। मैंने इसके ऊपर आपको वचन दिया है, यहोवा परमेश्वर का जो वस्त्र का छोर है उसका मायने क्या है, उसे अभी मैं टच नहीं करूंगा। हालेलुया। ये जो ट्रेन इंग्लिश में लिखा ट्रेन, ये है वेडिंग गाउन, राजा जो वेडिंग गाउन पहनता है उसकी ट्रेन जो है उससे भरा पड़ा है सारा आंगन, और वहां पे है एक दरवाजा जिससे लिखा है यहोवा की महिमा से देवड़ियां हिल गई, डोर दरवाजा। हालेलुया। अगर प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय हम पढ़ें,
प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 18-19 वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सुने। 18 वचन में लिखा है, एंड द नेशंस वर एंग्री एंड द रॉथ हैज कम एंड टाइम ऑफ द डेड दैट दे शुड बी जज्ड एंड दैट थाउ शुडेस्ट गिव रिवॉर्ड अनटू थाई सर्वेंट्स द प्रॉफिट एंड टू द सेंट्स एंड टू देम दैट फियर थाई नेम स्मॉल एंड ग्रेट thou shouldest destroy them which destroy the earth. And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and thundering and an earthquake and great hail. सुनिए ध्यान से, मैं हिंदी करता हूँ। राष्ट्र जो हैं पृथ्वी के क्रोध से भर गए हैं, क्योंकि यहोवा का प्रकोप पृथ्वी पे आ गया है, और मुर्दों के न्याय करने का समय कि वो जिंदा किए जाए और न्याय किया जाए, ताकि परमेश्वर अपने नबियों को अपने संतों को इनाम दे और उनको प्रतिफल दे जो यहोवा के नाम से डरते हैं, छोटे और बड़े सब, और उन्हें नाश करे जिन्होंने पृथ्वी को नाश किया है। आपको मालूम, ये इलीट लोग, इल्यूमिनाटी लोग, और ये फ्री मिशनरी लोग जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर बहुत दुष्टता के काम किए, जिन्होंने पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेस को इकट्ठा किया और दुनिया को गरीब बनाया, जो उस पिरामिड के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, जो अमेरिकन डॉलर पे अधूरा पिरामिड है, उसके ऊपर जो बैठे एलीट लोग जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, पृथ्वी पे यहोवा ने जो कुछ दिया नेचुरल रिसोर्सेस के रूप में, उस सबको उन्होंने ऐंठ लिया है। अमीर धनी लोग हमारे देश में भी है, जिन्होंने किसानों गरीबों से सब कुछ लूट लिया, और पृथ्वी पे उन्होंने वायरसेस बना के भेजे लोगों को मारने के लिए, फिर उनके मुंह पे मास्क पहनाए। ऐसे लोगों का न्याय करने जा रहा है परमेश्वर। एंड शुड इट डिस्ट्रॉय देम व्हिच डिस्ट्रॉय द अर्थ, जो पृथ्वी को लूटते हैं, यहोवा के बनाए नेचुरल रिसोर्सेस को लूटते हैं, और पृथ्वी के देशों को गरीब जिन्होंने बनाया। ये बड़ी गहरी शिक्षा है। आज ये समय नहीं है, प्रभु यहोवा उनका न्याय करेगा। और 19 वचन में लिखा है, एंड द टेम्पल ऑफ गॉड वॉज ओपन्ड इन हेवन, यहोवा परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग में खोला गया, एंड देयर वाज सीन इन द टेम्पल द आर्क ऑफ हिज टेस्टमेंट। टेम्पल का जो टैबरनेकल है, टेम्पल में जो तंबू है, उस तंबू के अंदर गवाही, आर्क ऑफ हिज टेस्टमेंट, ये जो वाचा है, वाचा का संदूक है, ये गवाही का संदूक है। हालेलुया, ये गवाही का संदूक वहां पे देखा गया। ये जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग को ये एक स्वर्ग में खुलता देख रहा है, ये मैसिव बिल्डिंग है, इसके अंदर अहद का संदूक है। मैंने यहाँ पे रखा था वाचा का संदूक, एक पल वेट करी। हालेलुया, द आर्क ऑफ द कवेनेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर की वाचा का ये संदूक जिसपे करुबीम बने हुए हैं, इसके ऊपर खून है। यहाँ पे यीशु मसीह स्वर्ग में गया और स्वर्ग के मंदिर में गया, असली मंदिर में, और मंदिर के अंदर, मंदिर का जो तंबू है, तंबू के अंदर ये रखी है वाचा का संदूक। इस वाचा के संदूक के ऊपर इब्रानियों की पत्री का 9 है, पढ़िए। यीशु मसीह ने बकरों का, छत्रों का, मेढों का, मेमनों का लहू नहीं अर्पण किया, अपना अविनाशी लहू, अपना अति पवित्र लहू, अपना बेदाग लहू, ऐसा लहू है यीशु मसीह का जो अनंत काल तक जिंदा लहू है, बोलने वाला खून है, वो बोलता है, बातें करता है, वो जीवित लहू यीशु मसीह ने इस आर्क ऑफ द कवेनेंट के ऊपर उंडेला है स्वर्ग में। आप पढ़ लेना पूरा 9 अध्याय इब्रानियों की पत्री। तो यीशु मसीह का लहू यहां से टेस्टमनी देता है, गवाही देता है, स्वर्ग की टेंपल में से क्या आ रहा है, गवाही आ रही है। सुने 19 वचन, एंड द टेंपल ऑफ गॉड वाज ओपन्ड इन हेवन एंड देयर वाज सीन इन हिज टेंपल द आर्क ऑफ कवेनेंट, जिसके ऊपर यीशु का लहू है, जीवित लहू स्वर्ग में है। And there were lightning and voices. ये है आवाजें। मैंने आपको बताया ये आवाजें आ रही है, ये लहू की आवाज है, और ये परमेश्वर के संतों की प्रार्थनाएं हैं जो बोल रही हैं स्वर्ग में।
आपने जितनी प्रार्थनाएं की, मैंने ये भेद बताया आपको, आप जब प्रार्थना करते हो सारी प्रार्थनाएं यरूशलेम की ओर प्रस्थान करती हैं, जहां पे यहोवा परमेश्वर की टेंपल थी। उस टेंपल में जो खैमा की सूरत में बनाई गई है, मूसा के तंबू की सूरत में, और मूसा के तंबू के अंदर अति पवित्र स्थान में आर्क ऑफ द कवेनेंट, लेकिन पवित्र स्थान के अंदर एक मेज जिसके ऊपर हजूरी की रोटी होती थी, द टेबल ऑफ शू ब्रेड, एंड देन देयर वाज मनोरा वेयर सेवन लाइट्स वर बर्निंग बिफोर द लॉर्ड। ये भी आपको दिखाता हूं, ये देखिए, सेवन लाइट्स विल बर्न बिफोर द लॉर्ड परपेचुअली, हमेशा। और एक और थी जो मेरे पास नई आर्टिफैक्ट, वो था द ऑल्टर ऑफ इंसेंस, जिसके ऊपर धूप जलती थी, सोने की जगवेदी जिसपे धूप जला करती थी। हालेलुया, वहां सब प्रार्थनाएं पहुंचती हैं, उसके ऊपर धूप जो जलती है, उस धूप के अंदर प्रार्थनाएं छिप जाती हैं, और वो धुआं स्वर्ग चढ़ता है। उसके 11 एलिमेंट थे, मैंने आपको बताया, एब्स्टिनास नाम की फैमिली ने डेड सी के पास एक पौधा ढूंढा जिसको मिक्स करके मिलाया गया, तो जो धुआं था सीधी रेखा में ऐसे ऊपर जाता था। आपको मालूम, न्यू टेस्टामेंट में, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में प्रार्थनाएं 11 प्रकार की हैं, 11 ग्रीक टेक्स्ट में 11 शब्द हैं प्रार्थना के लिए। इसलिए वो जो धूप थी वो 11 पदार्थों से बनती थी। 12th पदार्थ जो उसमें मिलाया गया वो एक पौधा था जो एब्स्टिनास फैमिली ने ढूंढा, जिसकी वजह से धुआं सीधा जाता है इसके ऊपर, चढ़ता है स्वर्ग में। यरूशलेम में मोरिया पहाड़, मोरिया पहाड़ पे यहोवा का मंदिर, वहां से उसके बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर स्वर्ग है, वहीं पे उसके बिल्कुल ऊपर यहोवा का सिंहासन है। वो धूप के अंदर प्रार्थनाएं जो लोग हम करते हैं पृथ्वी पे, यहूदी लोग करते हैं, यीशु मसीह के लहू की वाचा से धुले लोग करते हैं, सब प्रार्थनाएं यरूशलेम पहुंचती हैं, उस स्वर्गीय सुगंध के धुएं में लिपट के स्वर्ग चढ़ जाती हैं। वहां से वो पहुंचती हैं 24 प्राचीनों के कटोरों में, 24 प्राचीन 24/7 परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। एक हाथ में उनके रबाब है, हार्प है, वो हार्प बजाते हैं, और जब कटोरा भर के उमड़ने लगता है तो वो उस जगवेदी के ऊपर डालते हैं, सोने की जगवेदी पे, फिर ये प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है आर्क के ऊपर जो यहोवा विराजमान है वो उन प्रार्थनाओं को सुनता है, यहाँ पे लिखा है, एंड दे वर लाइटनिंग एंड वॉइसेस एंड थंडरिंग एंड एन अर्थक्वेक एंड ग्रेट हेल। हालेलुया। तो भाई और बहनों, जब आप प्रार्थना करते, 24 प्राचीन, ये ऑर्डर ऑफ द मेल्कीसेदेक है, द ऑर्डर ऑफ द मेल्कीसेदेक, मेल्कीसेदेक का ऑर्डर है, ये 24 याजक है, 16 हारून के एक बेटे के बेटे हैं, 8 हारून के दूसरे बेटे के बेटे हैं। हारून के 2 बेटे मारे गए क्योंकि वो यहोवा को स्ट्रेंज फायर अर्पण कर रहे थे, तो उसके बाकी 2 बेटों में से एक में से 16, एक में से 8 हुए। वो 24 को लेके राजा दाऊद ने ये ऑर्डर ऑफ द मेल्कीसेदेक तैयार किया। इस ऑर्डर पे ये याजक बैठे हैं। बहुत से लोग अटकलें लगाते हैं, 12 पुराने नेम के गोत्र के लोग हैं, 12 यीशु मसीह के, ऐसा नहीं है। ये मेल्कीसेदेक का ऑर्डर है। मेल्कीसेदेक के ऑर्डर के याजक जो हैं वो रॉयल याजक हैं। 2 तरह की याजकाई है, एक हारून के घराने की है, एक मेल्कीसेदेक के घराने की है। दोनों का बड़ा गहरा भेद है। बहुत से लोग हारून के गोत्र के याजक हैं, इसलिए उनके पास वो विशेषाधिकार नहीं है जो मेल्कीसेदेक के घराने के याजक हैं और यहोवा के सन्मुख सेवा करते हैं। जब जब हारून का जो घराना है वो यहोवा के मंदिर में सेवा करता है, और जब जब वो घराना पाप में गिरता है, दुराचार में गिरता है, यहोवा के मंदिर के अंदर व्यभिचार आ जाता है, यहोवा के मंदिर को लोगों से पैसा ऐंठने का, यहोवा के भवन को बिजनेस में, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तब्दील कर देते हैं पादरी लोग,
तब यहोवा वहां पे दंड देता है और यहोवा मलकीसदक जैसे याजकों को भेजता है। हालेलुया, उसका काम कभी रुकता नहीं। यहोवा की जगवेदी पे आग ठहरती नहीं। यहोवा की जो आर्क है, यहोवा की जो ब्रास की जगवेदी है, उसके ऊपर कुर्बानियां रुकती नहीं। हालेलुया, और यहोवा की सुनहरी जगवेदी के ऊपर धूप दान धूप चढ़ता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, ये जुडिशियल गवाही है जो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 19 वचन में ये गवाही यीशु का लहू देता है। टेम्पल ऑफ द टेस्टिमनी, जुडिशियल लीगल रिकॉर्ड वहां पे रखे गए हैं। आपकी किताबें हैं वहां पे, आपकी जिंदगी की एक किताब है। स्वर्ग में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रूम है, बहुत सी पुस्तकें बाइबल में भिन्न भिन्न पुस्तकों के विषय में लिखा हुआ, जो स्वर्ग में आपकी जिंदगी की किताब है। मेरे भाई, जो भी तू काम कर रहा है, तू बहुत स्मार्ट है, तू सोचता है मैंने पाप किया, मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया, मैंने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा, इतने तगड़े ढंग से मैंने पाप किया, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, स्मार्ट मत बने। जब आप स्मार्ट बन रहे हो, आप डम बन रहे हो। पाप में कोई जीवन नहीं है मेरे भाई। बदकारी में तू कभी चैन नहीं पाएगा, तेरे पाप तुझे ढूंढ लेंगे। एक दिन तू बहुत बड़ी शर्मिंदगी उठाएगा। तो प्रभु यहोवा वार्निंग देता है, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं, बहुत सी वार्निंग देता ताकि मनुष्य बच जाए, उसका विनाश ना हो। हालेलुया। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह का लहू गवाही दे रहा है। यीशु का लहू, प्रकाशित वाक्य में से एक और पुस्तक पढ़ता हूं, एक और वचन पढ़ता हूं, प्रकाशित वाक्य का 15 अध्याय और मैं उसका 5 वचन आपके लिए पढ़ता हूं, सुने। एंड आफ्टर दैट आई लुक्ड एंड बिहोल्ड द टेंपल ऑफ द टैबरनेकल ऑफ द टेस्टिमनी इन हेवन वाज ओपन्ड। तीन बार स्वर्ग में टेंपल ऑफ द टेस्टिमनी, मंदिर मूसा के तंबू का, जिसके ऊपर आर्क है, जहां पे लहू की गवाही है, वो खुल रहा है तीन बार। हालेलुया, गवाही दी जा रही है वहां से, लहू की गवाही। आपको मालूम, पृथ्वी पे पैदा हुआ हर मनुष्य, उसकी एक पुस्तक है। वो किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी भी संस्कृति में क्यों ना पैदा हुआ हो, प्रत्येक मनुष्य की एक पुस्तक है जो सृजनहार यहोवा के पास है। उसके अंदर आपके टोल डॉट, आपकी जीनियोलॉजी, आदम से लेके आप कहाँ हैं, पूरी जीनियोलॉजी लिखी है, आपके पूरे जीन्स डीएनए का लेखा जोखा लिखा हुआ है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूं एक आयत, साम 139, 139 नंबर भजन, साम 139 और उसका 16 आयत, 139 भजन की 16 आयत, ये राजा दाऊद का भजन है। सुनिए राजा दाऊद यहोवा पिता से क्या कहता है। Thine eyes did see my substance, yet being unperfect. जब मैं फीटस था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, मेरी माँ और पिता का मिलाप हुआ, मेरे पिता का सीमन, उसके 23 क्रोमोसोम और उसका वाई फैक्टर मेरी माँ की एग के साथ मिला। अभी मैं मशी मशी सा था एक एग के रूप में, और अभी मेरा स्वरूप बना नहीं था। मेरे जिनोम जो थे, उस मेरे डीएनए की इंफॉर्मेशन सारी अंदर थी, पर अभी मैं बना नहीं था, मेरा सब्सटेंस अभी अधूरा था, मैं फीटस था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में था। बीइंग अनपरफेक्ट एंड इन दाई बुक ऑल माई मेंबर्स वर रिटन, यहोवा की एक किताब है जिसमें आपके डीएनए की सारी डिटेल है, आपके अंग लिखे गए उसके अंदर, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके दांत, आपके होंठ, आपके कान, आपके बालों का रंग, आपकी स्किन, आपका हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, सबके बारे में लिखा गया। आप बहुत ऑसम हो परमेश्वर की नजर में, आप परमेश्वर की अद्भुत रचना हो, आपके शरीर के अंग सेक्रेड हैं, अति पवित्र हैं।
आपकी किडनीज, लिवर, लंग, स्प्लीन, ब्लड, ब्लड वेसल, आपकी हड्डियां, आपके बाल, आपका ब्रेन, आपका आपका पूरा न्यूरो सिस्टम, आपकी नर्व सिस्टम, आपकी स्पाइन, आपका पूरा ताना बाना, इट इज सो सेक्रेड इन द आईज ऑफ गॉड, इट इज सो प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड दैट गॉड हैज रिटन डाउन अ बुक अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ योर बॉडी. ही हैज रिटन अ बुक in which he has written down all the details, all your DNA, all the, it's not merely chemicals in the eyes of God. All the little tiny detail is written in the book of the Lamb. Yahan pe likha, in thy book, all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Abhi wo bane bhi nahi, par tune apni pustak mein, Yehovah Parmeshwar unke vishay mein likha. Book of destiny for everyone that is born upon this earth. Ye book of destiny jo hai, ek pustak hai swarg ke andar. Kahan rakhi gayi hai? Bahut massive ek temple hai. Massive building. Hallelujah. Maine bataya aapko teen martaba Bible ke andar ye likha hai. Revelation 15:5 mein maine aapko bataya. The temple of the tabernacle of the testimony. और वहां पे testimony है आपके, वहां पे testimony है आपके DNA की, पूरे के पूरे DNA की, आपकी पूरी generation है उसके अंदर, उनके कामों का कच्चा चिट्ठा सब कुछ वहां पे है. इसीलिए प्रभु कहते हैं मत्ती 12:36 में कि हर एक बेकार शब्द जो मनुष्य बोलता है उसे उसका लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि वह सब रिकॉर्ड किए जाते हैं. यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं